जमना है, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो और ये रीडिंग है आपके अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर जमना सेवन ऑफ पेंटिकल्स हॉन्ट कॉट सेवन ऑफ हिरम्स एंड एट ऑफ चैलेंजेस। तो यहां पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कोई न्यूज सुन सकते हैं। ओके, ये न्यूज शायद आपको बहुत समय से इसका इंतजार था और आपको अपने पार्टनर से कुछ सुनने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन ना हो, या फिर हो भी तो फ्रेंडली कम्युनिकेशन हो। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन थोड़ा सा ओपन अप होगा, या हो सकता है कि आपके बीच में कोई सेपरेशन ना हो बट यहाँ पर कुछ इश्यूज हो और आप कुछ सुनना चाह रहे थे इस पर्सन से। आप सुनना चाह रहे थे कि वो अपनी गलती मानते हैं या कुछ और। आप जो भी सुनना चाह रहे हैं वो आपको इस वीक में सुनने को मिलेगा। एंड द हॉन्ट कार्ड के साथ जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वेट अब बहुत लंबा होता जा रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि आप टायर्ड हो चुके हैं, आप थक चुके हैं इस पर्सन का वेट करके। इस पर्सन का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, या फिर आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अब आप अपनी तरफ से चीज़ों को जाहिर करना चाहते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप जाहिर कर सकते हैं, पर आप जो भी चूज करें आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू रखना चाहिए, क्योंकि आपके इमोशंस आपसे गलत फैसले करवा सकते हैं। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप नेचर से कनेक्ट करें। जिस तरह से नेचर शांत है, अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। और यहाँ पे एट ऑफ चैलेंजेस है। आप जो कुछ भी फैसला लेंगे या आपको जो कुछ भी सुनने को मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से, उसको लेके आप स्केप्टिकल हैं, यानी आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। आप एट ऑफ चैलेंजेस देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको यही तो चाहिए था, आप इसी का वेट कर रहे थे, पर आप श्योर नहीं हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ टू कप्स नहीं है, शायद आप परफेक्शन खोज रहे हैं। तो यहाँ पर परफेक्शन खोजना शायद इस पॉइंट पर ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। मैं भी नहीं, आप भी नहीं और कोई भी नहीं। तो ह्यूमन के नेचर में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, या कभी ना कभी सिचुएशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप ये वेट करें कि सब चीज़ें एक पॉइंट पर आ जाएंगी या सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। पर फिर भी आपकी चॉइस है। सेवन ऑफ एथेंस के साथ आप अपने पास्ट की तरफ देख रहे हैं। ये एक वियर्ड सिचुएशन है। आप आगे भी बढ़ रहे हैं और आप पीछे भी देख रहे हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं टोटली, और मुझे लग रहा है कि आपके इमोशंस हैं जो आपको बार बार पीछे की तरफ देखने पे मजबूर कर रहे हैं। और शायद आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिल भी जाए। जैसा कि मैंने कहा, एट ऑफ कप्स आपके पास ऑलरेडी है, पर उस चीज के मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज उतनी परफेक्ट नहीं है या ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी,
एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Adams, the Lady and the Lord. High Priest, and Three of Adams. So हमारे पास यहाँ Two of Adams है। Two of Adams के साथ again बहुत ज्यादा confusion। एज ऑफ चालीस के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपके लिए परफेक्ट नहीं है और अगेन आपका माइंड और हार्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका हार्ट कह रहा है कि आपको इस पर्सन का सपोर्ट करना चाहिए, आपका माइंड कह रहा है कि नहीं, जब तक कि आपको ये और दो कप्स नहीं मिल जाते या जब तक कि ये पर्सन आपके लिए पूरी तरह से सुटेबल नहीं हो जाता या जब तक सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव नहीं होते तब तक आपको उन्हें यस नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे आपके हार्ट और माइंड या आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। आपको हार्ट आपके माइंड की तरफ नहीं जाने देगा, आपका माइंड आपको आपके हार्ट की तरफ नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे मूड स्विंग्स आपको इस वीक में महसूस हो सकते हैं और जो कि फ्रस्ट्रेशन में बदल सकते हैं। हो सकता है कि आपको गुस्सा आए हर बात पे और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। शायद इसीलिए द हॉर्नड गॉड के साथ आपको नेचर से कनेक्ट करने होने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स इस वीक में महसूस हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कार्ड है द लॉर्ड एंड द लेडी का। द लॉर्ड एंड द लेडी के साथ आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है अगर आपके बीच में कुछ इफ एंड बर्ड्स नहीं होते तो। यानी ये सारे कप्स जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, अगर ये ऑब्स्टेकल नहीं होता, अगर ये बात नहीं होती, अगर ये चीज नहीं होती तो सब कुछ सही होता। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर जरूरी है कि आप पॉजिटिविटी पे फोकस करें अगर आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ द हाई प्रिंस के साथ जरूरी है कि आप अपने विजडम का इस्तेमाल करें, आप वाइज हैं। ओके, यहाँ पर ईगो और इमोशंस दोनों आपका काम बिगाड़ सकते हैं। यहाँ जरूरी है आपको अपने विजडम के यूज करने की, विजडम यूज कीजिए अपना। ओके, तो थ्री ऑफ एथेंस है यहाँ पर। थ्री ऑफ एथेंस के साथ मुझे लगता है एटलीस्ट इस वीक में आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं या ये पर्सन आपको टोटली कट ऑफ करने वाला है। इंटेंशनली नहीं, जानबूझकर नहीं। शायद ऐसे कुछ सिचुएशन बनेंगे कि आप सोचेंगे कि इससे अच्छा तो हमें एक दूसरे से बात ही नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहिए। और शायद ये चीजें आपको अपने ऊपर फोकस करने में या अपने दिमाग को क्लियर करने में हेल्प करेंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. So, आपको कहा जा रहा है कि आपको शांत रहना चाहिए,
अपने अंदर की अच्छाइयों पे यकीन करना चाहिए और दूसरों के अंदर की अच्छाइयों पे भी यकीन करना चाहिए, और दुनिया में जो लाइट है उस पर फोकस कीजिए बजाय डार्कनेस के, क्योंकि इस वक्त आपके लिए लाइट पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ये थी रीडिंग आपकी अगस्त के 3rd वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।